बेटा ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हम लोगों के पास, टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल रोटर एंड कंपाउंड रोटर सिस्टम। ये हमारे पास सिंगल रोटर सिस्टम है जिसमें एक रोटर अटैच है हमारे साथ, ये हमारे पास टू रोटर सिस्टम है जिसमें हमने दोनों साइड्स पे रोटर अटैच किए हुए हैं। तो हम मैंने इधर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए टू रोटर सिस्टम अप्लाई किया है जिसपे हम परफॉर्म करेंगे। सेम फिनोमेना सिंगल रोटर सिस्टम पे ही होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट हम आपको कंबाइन करवा रहे हैं जिसमें सिंगल रोटर सिस्टम का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और कंपाउंड रोटर सिस्टम का भी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हमारे पास क्या होता है, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की रिजिस्टिंग फोर्स होती है एंगुलर एक्सेलरेशन को रिजिस्ट करने के लिए। अब ये जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, इसमें देखें हमारे पास सिंगल रोटर सिस्टम के लिए टाइम पीरियड है, टू रोटर सिस्टम के लिए टाइम पीरियड है T1, सिंगल रोटर सिस्टम के लिए, टू रोटर सिस्टम के लिए टाइम पीरियड T2, N1 नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमारे पास सिंगल रोटर सिस्टम के लिए, टू रोटर सिस्टम के लिए, N2 हमारे पास रेवोल्यूशन सिंगल रोटर सिस्टम के लिए, टू रोटर सिस्टम के लिए, और यह हम आगे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल रोटर का और कंपाउंड रोटर का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ये सारी रीडिंग्स हम लोगों के पास आ जाएंगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमारे पास MGH इज इक्वल टू MV² / 2 प्लस I ω² / 2 (1 प्लस N1/N2) बेटा इसमें क्या है, क्योंकि टू रोटर सिस्टम से हम अप्लाई कर रहे हैं इसको, हम सबसे पहले जब रोटेट करवाएंगे स्टॉप वॉच आपने ऑन कर देनी है आपका, जब तक ये जो मैस इसके साथ अटैच है ये फ्लोर के साथ टच होके गिर जाएगा वहाँ तक आपका T1 और N1 होगा। उसके बाद जब ये गिर जाएगा उसके बाद जो टू रोटर सिस्टम है ये कंटिन्यू करेगा अपनी मोशन रोटेशन, तो वो आपके पास जब तक ये आपके पास रुक नहीं जाता तो उसकी जो रेवोल्यूशंस होंगी वो आपके पास N2 होंगी और वो टाइम पीरियड जो है वो आपके पास T2 होगा। ये आप लोगों ने सिर्फ ये ध्यान रखना है इसकी रेवोल्यूशंस और टाइम पीरियड को काउंट करते वक्त। एक्सपेरिमेंट अब हम लोग परफॉर्म करते हैं स्टार्ट। ये आपके पास N1 और T1 जो है ये हमारे पास काउंट हो रहा है, ये अब आपके पास गिर गया। अब जो उसके बाद फौरन से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रही है और टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है ये आपके पास T2 और N2 में आएगा अनटिल एंड अनलेस ये आपके पास स्टॉप नहीं होता। इसके लिए हम यूँ करते हैं कि हम लोग दो स्टॉप वॉच रखते हैं, एक 1% जो है वो जब गिरने तक टाइम पीरियड और वो रेवोल्यूशंस कैलकुलेट करता है, दूसरा उसके साथ ही दूसरी स्टॉप वॉच ऑन करके उसके बाद से फौरन रेवोल्यूशंस और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है। बेटा ये 70 के करीब रेवोल्यूशंस जाती हैं आपकी, कुछ इसी तरह कंटिन्यू करके 70 के करीब जाती हैं। ये जब वैल्यूज सारी हमारे पास आ जाएंगी, T1 भी आ गया, T2 भी आ गया, ये टू रोटर सिस्टम के लिए ये T1 सारे जब तक वो ड्रॉप डाउन हो रहा था तब तक, और उसके बाद हमारे पास ये T2 जब उसके बाद उसने काउंट किया मैस ड्रॉप करने के बाद जो काउंट हो रहा है ये टाइम पीरियड वो है। ये सारी रीडिंग्स हमारे पास आ गई, अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काउंट करना है सिंगल का और कंपाउंड का। अब ये फॉर्मूला हमारे पास, इसमें मैस हमारे पास 0.05 kg हमने वो अटैच किया हुआ है, जी आपके पास 9.81, एच जो है ये आपके पास हाइट ऑफ फॉल है कि इधर से आपके फॉल तक जो है वो ग्राउंड तक जो वैल्यू होगी हाइट की वो होगी आपके पास। उसके बाद V² जो है इसमें V हमारे पास, इसका फॉर्मूला हमारे पास 2H/T होता है, V = 2H/T1 हाइट ऑफ फॉल और T1 जो आपका टाइम पीरियड आएगा उसको ड्रॉप करते वक्त वो वाला, यहाँ से आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद I मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट करना है, N1 N2 रेवोल्यूशंस आपके पास हैं। उसके बाद ω² की जो वैल्यू है ये आपके पास होती है V/R, जब आपके पास V आ जाएगा 2H/T से तो वो आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी वो V, और R जो है वो आपका इसके सेंटर से रोटर के 1 पॉइंट तक डिस्टेंस है वो R डिस्टेंस है, वो आप पुट करोगे इधर तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आप यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैलकुलेट कर लोगे।